आज हम लोग एक ऐसी जगह आए हैं जो मेरे दिल के काफी करीब है। जब भी मुझे घर में अच्छा नहीं लगता या मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं होता है तो मैं यहाँ आती हूँ। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सी जगह। आज गाइस, आज मैं वहाँ आई हूँ जो मेरे दिल के काफी करीब है। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन सी जगह है। वो है ये नर्सरी, जहाँ जब भी मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं होता या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मैं ये नर्सरी आ जाती हूँ। यहाँ ढेर सारे पौधे होते हैं, उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, आप भी अपने घर के पास जो भी नर्सरी हो वहाँ जाओ, खूब सारे पौधे खरीदो। अगर आपके पास बड़ा सा गार्डन नहीं है तो आप अपनी छत पर मिनी गार्डन बना सकते हो और उससे काफ़ी सारे ऑक्सीजन मिलने वाले। चलिए आइए देखते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत पौधे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे पीछे मिनी गार्डन है। ये गार्डन नहीं है, ये नर्सरी है। यहाँ सब नर्सरी वाले भैया लोग हैं जो काफ़ी अच्छे से उन्होंने पौधे की देखरेख की है और बहुत अच्छे से उन्हें ग्रोथ कर रखा है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ जब भी आती हूँ काफ़ी खुश हो जाती हूँ। मेरा मूड कितना भी ऑफ हो, यहाँ पर आने के बाद 50% मेरा मूड अच्छा हो ही जाता है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शायद मैं इसी कारण बाहर निकली हूँ कि थोड़ा मेरा मन अच्छा हो जाए, थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाए। आप देख सकते हो कि मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ। खास खूबसूरत पौधे हैं, काफ़ी छोटे छोटे, काफ़ी क्यूट क्यूट पौधे हैं। चलिए आइए देखते हैं और भी बहुत सारे आगे पौधे हैं। और ये गमले कितने खूबसूरत। गाइस, फाइनली मैंने दो पौधे ले लिए हैं। आप देख सकते हो कितने क्यूट पौधे हैं। चलिए अभी बहुत सारे पौधे लेने हैं, अभी आगे चलकर देखते हैं और कौन कौन से पौधे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कितनी प्यारी फ्लावर्स हैं, कितनी खूबसूरती से लगा रखा है भैया लोगों ने। आप देख सकते हो और भी ये देखिए। फाइनली इन पौधों के बीच बैठी हुई हूँ जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है और मुझे तो मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ से घर भी ना जाऊँ, पूरा टाइम यहीं रहूँ, क्योंकि मुझे पौधे इतने ज्यादा पसंद है कि जब भी मैं यहाँ नर्सरी आती हूँ तो मुझे घर जाने का मन नहीं करता। मुझे ये लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी, कितनी क्यूट क्यूट से पौधे मन कर रहा है कि ये नर्सरी में उठाकर मैं छत पर अपने टेरेस पर शिफ्ट कर दूँ। क्योंकि सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को यूं ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं और जहां जहाँ घूमने जाऊं आपको लेकर चलूं। गाइस, इस टाइम हम लोग एक चाय वाले भैया के पास आए हैं क्योंकि काफ़ी हम लोग थक गए हैं पौधे खरीद खरीद कर। तो अब लग रहा है कि कुछ अभी आधा घंटा लगेगा। कौन कौन सी चाय है आपके यहाँ? इलायची चाय है, अदरक चाय है, मसाला चाय है। अरे वाह भैया, क्या तो तीन लगभग चार किस्म की चाय है। तो मैं अभी कौन सी चाय ट्राई करूँ इसमें से? मुझे लगता है इलायची वाली चाय ट्राई करनी चाहिए। और भैया आप हम लोग के लिए चाय अच्छे से तैयार कर दीजिए। सो गाइस, देखिए भैया कैसे चाय तैयार कर रहे हैं। अपने घर, क्योंकि बहुत गए हैं हम लोग तक, अब जाते हैं अपने घर क्योंकि काफी देर से हम लोग निकले हुए हैं। पौधे हो गए, घूमना हो गया, चाय हो गई। भैया जी, हम लोग बोले थे थोड़ी देर बाद आएंगे और ये बंद करके ही निकल गए। अरे यार, बस आ गया अपना पौधा। अभी और है, अभी मिर्ची का पौधा। तो देखो, गुड्डे वाला पौधा, टेडी बियर वाला।
टेडी बियर वाला पौधा, ऑरेंज और वो येलो टेडी बियर का पौधा आ गया। आता है मिर्ची कहाँ ली यार, कहाँ चला गया मिर्ची? मिर्ची वो आगे रेड साइड। हाँ हाँ ला 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 ये रही मिर्ची, एक मिर्ची लगी है एक मिर्ची मात्र है।